क्या नाम है? जयलक्ष्मी। कहाँ से यहाँ? विराटनगर नेपाल। बहुत अच्छा, जितना सोचते थे उससे ज्यादा, मैंने मिले फर्स्ट बार है। बहुत अच्छा लगा, आप तक यूट्यूब पे चैनल पे देखते थे, हमारे हस्बैंड गए थे, बहुत अच्छा लगा सुन के भी, इनकी चमत्कार सुनते भी हैं, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपके साथ चमत्कार हुआ जो ना, सब अच्छा ही हो रहा है, जैसे परिवार भी सब अच्छा है, हस्बैंड का भी नेचर वाइज सब अच्छा, सब अच्छा हो रहा है एकदम फैमिली में। इतनी बड़ी कथा को बिना चमत्कार या किसी के ऐसे नहीं संभाला जा सकता, इतनी भीड़ हो रही है। इतना भीड़ होने के बाद भी सब आराम से आ रहे हैं, बैठ रहे, किसी कोई चीज की तकलीफ भी नहीं हो रही है। इसलिए इसके लिए बागेश्वर धाम की बहुत जयकार बोलना है। और इसके अलावा अपने को तो ऐसा लगता है बिना बिना इसका चमत्कार कुछ भी संभव नहीं है, इतना ज्यादा भीड़ सब आगे। हमारे नेपाल को हमारे नेपाल यहाँ पर देखा जाता है कि नेपाल के लोग बागेश्वर धाम बहुत ज्यादा जाते हैं, तो मानते हैं इतना लगाओ कैसे बागेश्वर धाम होता है, क्या है ऐसा बागेश्वर धाम होता है? वो एक सनातन धर्म के हैं, राम राम के प्रचार कर रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म से राम राम के प्रचार कर रहे हैं, बाबा को अच्छा लगता है तो सब जाते भी है, बाबा का चमत्कार देखते भी है सब। नेपाल को कल अपील की नेपाल वासियों को, संगठित होकर क्या कहना है? बाबा ने अपील किया उसका समर्थन कम करते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी, हम भी यही चाहते हैं सब मिल के रहे तो अच्छा है सबसे। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों में कथा के बाद, या अभी क्या देखने को मिला? अभी तो सबको तो बस बाबा में लगे हुए हैं, सब मिली जुली है, तो सब में प्रेम भाव दिख रहा है, ये प्रेम भाव में और बाद में भी अच्छे से रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप मुलाकात के बाद? गुरु जी के लिए बहुत बहुत अच्छे, जो क्वेश्चन मीठे से बोलते हैं, ऐसा लगता नहीं गुरु है, लगता है जैसे अपनापन कोई अपनी फैमिली है। हाँ कथा मैंने दोनों दिन सुनी है, बस ये पाँव के दर्द में थोड़ी देर पहले आना पड़ता है, भीड़ हो जाए चोटने लगे, कथा हमने दोनों दिन सुनी है, आज तीसरे दिन की कथा भी श्रवण करूंगी, बहुत अच्छी लगी। गुरु जी ने जो है ना सब में जो प्रेम भाव मिलने की, राम जी से मैंने हनुमान जी की जीवनी अपने ऊपर रखने की विचार दिए, बहुत अच्छी, गुरु जी की बोली सब आवरण करे तो जिंदगी संभल हो जाएगी। क्या बच्चों में क्या बताओ अब वो तो बच्चे लोग की, हम लोग का क्या, एक महीने या 15 दिन बाद बच्चे लोग की नेचर है, अभी तो बच्चों से मिलने की भी नहीं है, सब प्रवचन सुनते हैं घर जाते हैं, फिर गुरु जी से इच्छा होती है मिलने की, ये 15 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगी, प्रभाव जरूर मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे सुनते सुनते भी आदमी को प्रभाव तो होता ही है, सभी को होता है, अपने को ही होता है। गुरु जी की लोकप्रियता सच्चाई, सच्चाई के सामने दम डट के खड़े रहना, किसी से नहीं डरना, दम इस जय बागेश्वर सरकार।